हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत हद तक बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है SSC की तरफ से, दिल्ली पुलिस MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ सिविलियन की जॉब 2023 के लिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। तो चलिए, इसके रिगार्डिंग आज हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि पोस्ट वाइज क्या क्या सीट रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप सभी। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आप सभी को बताया है कि दिल्ली पुलिस में MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ सिविलियन के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो बताई गई है 888 सीट्स के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। कैटेगरी वाइज सीट पहले हम लोग देख लेते हैं। जनरल के लिए है 407 सीट्स, OBC के लिए 274, EWS के लिए 88 सीट्स है, SC कैंडिडेट्स के लिए 58 है, ST कैंडिडेट्स के लिए 61 सीट्स यहाँ पे रखी गई है। तो अब देख लेते हैं किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है और पोस्ट वाइज क्या सीट्स रखी गई है। फर्स्ट नंबर की जो पोस्ट है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी है, कुक की पोस्ट है, आपका 270 सीट्स रखा गया है। वाटर कैरियर का 26 सीट है, स्वीपर के लिए 254, मोची के लिए 29, धोबी के लिए 104, खलासी के लिए 7 सीट, टेलर के लिए 25, माली के लिए 28, बार्बर के लिए 55 एंड कारपेंटर का 10 सीट रखा गया। मतलब कि दिल्ली पुलिस के अंदर ये सारे पोस्ट के ऊपर आपका वैकेंसी आया है। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन, बहुत सारे कैंडिडेट ने प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि क्या इसमें यूनिफॉर्म मिलता है, तो जी नहीं फ्रेंड्स, ये सिविल पोस्ट होता है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्म कब से या कब तक अप्लाई होगा। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है आपका 10 अक्टूबर 2023 एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है 31 अक्टूबर 2023। आपको किस डेट का वेट करना है? 10th ऑफ अक्टूबर का। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो, आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर देना, अदरवाइज बाद में आपको ना बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, सर्वर इशू हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं फी क्या लिया जाएगा कैंडिडेट से। फॉर्म की जो फी है, जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 100 रुपीज एंड अदर कैंडिडेट्स जो भी रहेंगे उनसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। रही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन भी बच्चों ने 10th पास कर लिया है वो सब इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st August 2023, मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स आपका एज लिमिट रखा गया है। रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, OBC को 3 ईयर्स का एंड SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एग्जाम की जो डेट है वो भी यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है ऑफिशियली। SSC ने जारी कर दिया है कैलेंडर, उसमें डेट आई है कि दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इस पोस्ट में ज्वाइनिंग के बाद जो आपको सैलरी मिलती है फ्रेंड्स, 18,000 रुपीज से स्टार्टिंग होती है एंड आपका जो हायर सैलरी होता है 56,900 रुपीज इसमें आपको दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। सो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 stages। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन टेस्ट, मतलब कि ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसमें क्वालिफाई करने के बाद ट्रेड का टेस्ट होगा, मतलब कि जो कुक होंगे उनका कुक से रिलेटेड, टेलर का उनके ट्रेड से रिलेटेड, बार्बर का उनके ट्रेड से, तो ये ट्रेड टेस्ट होगा। उसमें जब आप क्वालिफाई करोगे तो सिंपली आपका मेडिकल होगा, तब जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो है दे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले एग्जाम पास करना जरूरी होती है। चलिए हम लोग एग्जाम की पैटर्न को समझ लेते हैं। एग्जाम होगा आपका 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स के लिए। टाइम मिलेंगे आपको 90 मिनट्स, यानी कि आपको 1.5 घंटे में ये पेपर कंप्लीट करना होगा। निगेटिव मार्किंग की रही बात, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, ये ना आपके लिए एक प्लस पॉइंट है फ्रेंड्स, तो इसको प्लस पॉइंट मान के चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितना कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जीके एंड करेंट अफेयर्स के आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहेगा।
तो इम्पॉर्टेंट रोल आपका जीके एंड करेंट अफेयर्स यहाँ पे प्ले करने वाला है, और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अधिकतर बच्चे ना जीके एंड करेंट अफेयर्स में गलत टिक लगा के आ जाते हैं, या फिर उनको कन्फ्यूजन होता है कि ए टिक करे या बी टिक करे। तो यहाँ पे अगर आप कन्फर्म ना भी हो तो टिक लगा सकते हो, ताकि जो आपका पॉजिटिव मार्क्स है उसमें से कुछ कट नहीं किया जाएगा। तो ये प्लस पॉइंट को मानते हुए आप अच्छे से इसकी तैयारी में लग जाओ। अभी से एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो ट्रेड टेस्ट होगा, चलिए देख लेते हैं। ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ओवरऑल जो मार्क्स होती है 20 मार्क्स का रहेगा, और पासिंग मार्क्स यहाँ पे 10 दिया जाता है। बट 10 पासिंग मार्क्स बस लिखने के लिए होता है, वो आपका जो जितना भीड़ रहेगा, कंपटीशन होगा, जितने ज़्यादा बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस टाइम डिसाइड किया जाएगा। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न एंड ट्रेड टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद होता है सिंपल सा मेडिकल, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। दिल्ली पुलिस की जॉब है तो दिल्ली में ही रहेगी, और एमटीएस की पोस्ट के लिए है तो ज़्यादा आपसे यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस या फिर स्किल वगैरह का नहीं है डिमांड, बस सिंपली ट्रेड टेस्ट को आपको पास करना होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहा था। तो प्रीवियस जो आपका इसका पेपर हुआ था 2017 में हुआ था, जनरल कैंडिडेट्स का 82 कट ऑफ यहाँ पे गया था, ओबीसी के लिए 80 मार्क्स था, और उस समय ना फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस का कुछ यहाँ पे था नहीं, तो ईडब्ल्यूएस का कोई कट ऑफ ही नहीं उस टाइम का बताया गया। आप जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे वो जनरल और ओबीसी के कट ऑफ को ही मान के चलेंगे, कि उससे हायर स्कोर आप अगर टेस्ट सीरीज वगैरह में करो तो ज़्यादा बेटर होगा। एससी कैंडिडेट्स के लिए 79 मार्क्स था, सॉरी एससी कैंडिडेट्स के लिए 79 मार्क्स था, एसटी के लिए 75 था। सो ओवरऑल आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी मैंने बता दिया। तो इसकी जो तैयारी है ना फ्रेंड्स, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसमें आपका क्या स्कोर आ रहा है, कौन कौन सा चैप्टर छूट रहा है उसको आप बनाओ, फिर जो एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर्स होते हैं उनको भी बनाओ, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताए हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए, कमेंट सेक्शन है, आप वहां पर आके पूछो। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, सबका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर लो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू फ्रेश जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।